हाँ गाइज, अगर आप माइक्रोस्कोप का बेस लेना चाहते हैं आपके RF4 पे, या उसका पैड लेना चाहते हैं, उसका मैट लेना चाहते हैं, तो ये वाला लीजिए, RL160B। आप इन उनकी बातें जो ब्रोकर दल्ले लोग हैं उनकी बात सुनकर जो उसका स्कोप आता है RF4 वाला, वो मत लीजिए। मैं लेके मैं पछता रहा हूँ, ये वाला मत लीजिए। ये मैट आपको 750 पड़ेगा, ये और ये मिला के, ये इसके साथ आएगा। आप ये भी मत लीजिए, ये भी वेस्ट है क्योंकि इसमें कुछ जान नहीं है, ये बहुत वेटलेस है और यूज़लेस है। आप ये रखोगे तो ये उतना वज़नदार भी नहीं है और ये आपको यूज़ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल एकदम लाइट वेट है, तकरीबन 300 से 400 400 ग्राम रहेगा उतना ही। और इन उनकी बात सुनकर जाके आप ये मैट मत लीजिए क्योंकि ये सेपरेट आता है मैट, ये और ये साथ आता है। इसका 750 है, ये उतना क्वालिटी भी ठीक नहीं है और बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। देखिए, ये मैंने 2-3 दिन यूज़ किया है और ये एकदम से गलीज़ दिख रहा है। आप फ़ोटो में नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये एकदम से गलीज़ है। आप RF4 माइक्रोस्कोप लेंगे तो सिर्फ ये वाला मैट ले लीजिए, या आप छोटा बेस लेके आप आपके जो टेबल रहता है ना उस पे लगवा लीजिए। लेकिन ये बेस और ये मैट बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि ये यूज़लेस है। ये आपको 750 तक पड़ेगा और ये इसके साथ ही आएगा, ये जो बेस है ये इसके साथ में ही आएगा, लेकिन ये आके आपको एक्स्ट्रा 750 कुछ पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल मत लीजिए, आप लेंगे तो आपका पैसा वेस्ट ही होगा, आपको यूज़ में तो कुछ नहीं आएगा। ये वाला लेंगे तो आपको यूज़ में आएगा, ये आपको 1800 से 2000 के बीच में पड़ेगा। मेरे को 1850 पड़ा अलॉन्ग विथ कुरियर चार्ज, ये के टूल से मंगाया था मैंने। देखिए, इसके बाद आपका मर्जी है, आप इन उनका बात सुनकर मत लीजिए क्योंकि जो टेक्नीशियंस रहते हैं उन्हीं को पता है, ऐसे दल्ले समीर जैसे दल्लों से क्या है, वो हर बार आके एक ना एक चीज़ प्रमोट करेंगे क्योंकि उनको पैसा मिलता है। आप लोगों का पैसा वेस्ट होता है ऐसा वैसा चीज़ लेने से, आप वो बिल्कुल मत लीजिए।